हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चल गुंडली धारामापी अर्थात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको शॉर्ट में MCG कहते हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक के लिए हम पिछले दो वीडियोस में तैयारी कर चुके हैं कि अगर एक धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही कुंडली पर बल इस प्रकार लगाता है कि वो घूर्णन गति शुरू कर देती है। और उसके लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला था, आप सभी को याद होगा, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी। और ये जो थीटा होता है, ये आपका क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण होता है। तो इसको आगे बढ़ाकर, इसी को काम में लेकर के हम एक युक्ति बनाते हैं जो धारा का मापन कर सकती है, और उस युक्ति का नाम है धारामापी। इसकी खास बात यह है कि इसकी इसमें जीरो बीच में होता है। तो अगर धारा ए से बी बह रही है तो ये एक तरफ विक्षेप दिखाएगा, और अगर धारा की दिशा को उल्टा कर दिया जाए तो इसका विक्षेप दूसरी दिशा में आएगा। अब इस वीडियो में हमको इसके सिद्धांत को, इसकी संरचना को, और ये कैसे काम करता है, उसका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पूरे चैप्टर में अपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे इस वीडियो में काम आएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा। शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसकी संरचना की बात करते हैं। जो आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर इस तरह से एक बेलन होता है लोहे का। इस बेलन के दोनों तरफ चुंबक होते हैं, और वो चुंबक ऐसे स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो चुंबक भी इस प्रकार गोलाकार होते हैं। तो एक N इस प्रकार गोलाकार रहता है और एक S इस प्रकार गोलाकार रहता है। मैं एक एक करके बनाता हूं। पहले इस सिलेंडर को अपन ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से आपका सिलेंडर होता है। और ये एक चुंबक है N, और ये दूसरा चुंबक है S। मतलब ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन मतलब लोहे का बना होता है, और इसको एक चुंबक इस तरह से घेर के रखता है, एक चुंबक ऐसे घेर के रखता है। तो ये आपका एक बेलनाकार लोहे का आधार होता है जिसके दोनों तरफ इस प्रकार के चुंबक लगे होते हैं। इसका एक विशेष कार्य है, ये जो चुंबक आप देख रहे हैं, इन चुंबकों का एक विशेष कार्य है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको केवल संरचना समझा रहा हूं। तो ये दो चुंबक हो गए जिसके बीच में एक बेलन है। इस बेलन के ऊपर आयताकार कुंडली लपेटी हुई होती है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये हमारे पास तार है, ये बेलन है, तो इस बेलन के ऊपर तार को ऐसे आयताकार लपेट दिया जाता है। थोड़ा कमजोर बेलन है इसलिए पिचक रहा है, बाकी बेलन काफी मजबूत होता है। तो ये देखिए, ये अपन ने इसके ऊपर कुंडली को लपेट दिया। जिस बेलन के ऊपर कुंडली को इस प्रकार लपेटा है कि अगर आप सामने से देख पा रहे हो तो ये कुंडली आयताकार है। तो आयताकार कुंडली लपेटी भी होती है इस बेलन के ऊपर। अगर मैं यहां पे उसको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसको ऐसे लपेट रखा है, और यहां दिखाना चाहें तो इस तरह से तार को लपेट दिया जाता है, और ये आपके पास है आयताकार कुंडली। तो ये सिलेंड्रिकल बेस हो गया, बेलनाकार आधार हो गया, जिसके दोनों तरफ इस तरह से मैग्नेट है, और उस आधार के ऊपर आपने इस कुंडली को लपेट रखा है। अब अगर इसको आप सामने से देखते हो ऐसे, तो सामने से देखने पर आपको दो इस तरह से चुंबक दिखेंगे, बीच में आपको ये गोलाकार आधार दिखेगा बेलन का, जिसके ऊपर ये आपकी कुंडली लपेटी हुई होगी सामने से देखने पर। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को ऊपर से देखूं, इसका टॉप व्यू दिखाऊं, तो टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। तो पहले अपन इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। यहां ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो
टॉप व्यू यहां बनाते हैं। इसके टॉप व्यू में आपको ये एस और ये एन दिखेगा। टॉप व्यू में ये बेलनाकार गोल हिस्सा दिखेगा, बेलन का गोल वाला भाग। इस गोल वाले भाग के ऊपर तार लपेटे हुए हैं। और इन्हीं तारों को अपन आगे जाकर के प्लस माइनस से जोड़ करके करंट फ्लो करवाएंगे। तो यहां तक का मैंने आपको समझाया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस प्रकार करता है और धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा। तो ये बेलनाकार आधार के ऊपर हमने इस तरह से लपेट रखा है। यहां से हम प्लस देंगे, यहां से माइनस, मतलब इसको बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे, इसको बैटरी के माइनस से। उसके बाद कौन सी क्रियाविधि होगी आप ध्यान से देखिएगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है जिसके अंदर इस तरह के बेलनाकार आधार के ऊपर आपने आयताकार कुंडली को लपेट करके इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है, वो किस प्रकार कार्य करेगा। जैसे ही आप इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ोगे, मतलब इस हिस्से को प्लस से और इस हिस्से को माइनस से, इस पूरी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी। अब दोस्तों, अगर कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है, ये N है, ये S है, इसके बीच में रखा है, और ये आयताकार कुंडली है जो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस आयताकार कुंडली के ऊपर बल आरोपित करेगा, बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, और उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, tau बराबर ni ab sin थीटा। अब एक बात को ध्यान समझना, ये टॉपिक कुछ अलग नहीं है। इसके अंदर भी देखो, ये आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली के दोनों तरफ इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र है। वो चुंबकीय क्षेत्र जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होगी तो उसके ऊपर बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा, मतलब ये जो कॉइल है, ये कॉइल घूमना शुरू करेगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जब ये कॉइल इस तरह से घूमेगी तो ये बेलन भी साथ में घूमेगा और दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाने में मदद करेगा। अब हमको ये समझना है कि टाउ कितना होगा। टाउ होता है एनआई एबी साइन थीटा। थीटा क्या चीज है? थीटा आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो कि ये जो आपकी आयताकार कुंडली है, इस आयताकार कुंडली का जो परपेंडिकुलर, इसके लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बनाता है वो आपका थीटा होता है। अब बात को समझिएगा, ये जो आयताकार कुंडली इस तरह से है, जब ये आयताकार कुंडली धीरे धीरे घूमना शुरू करेगी तो इस तरह से ये कुंडली घूमेगी। अब जब ये कुंडली इस तरह से घूमेगी तो आपका चुंबकीय क्षेत्र से इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, वो जो भी कोण बनाएगा उसको अपन क्या कहेंगे? थीटा। अब यहां पर हम इस तरह के मैग्नेट, इस गोल मैग्नेट इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये मैग्नेट हमेशा आपके थीटा को 90 रखते हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए, आप में ये कॉइल कितना भी घूमे, आपका थीटा कितना बना रहता है? 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री कैसे रहता है वही मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस अंदर सिलेंडर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार रखेगा कि सिलेंडर के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होगा, हर बिंदु पर लंबवत होगा। मतलब अगर मैं यहां चुंबकीय क्षेत्र को बनाऊं तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर लंबवत होगा। ऐसे आप देख सकते हो सतह के लंबवत, यहां भी 90 डिग्री, यहां फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होगा कि हमेशा इस गोले के क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। उससे क्या होता है, ध्यान से देखना, आपकी अगर ये ऐसा मैग्नेट नहीं होता और ये मैग्नेट इस तरह का होता
और फिर ये कुंडली बीच में रखी होती, तो चुंबकीय क्षेत्र इस केस में फिक्स है इस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र इस केस में एकदम फिक्स है। अब अगर आप इसको घुमाओगे, मैं इसको रख देता हूं साइड में, इसको समझते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में फिक्स है और आप इसको घुमा रहे हो, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इसका जो ये जो सतह है, ये जो कोण बना रही है, वो कोण बदलता रहेगा, क्योंकि आपका चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है और आपकी सतह घूम रही है। परंतु यहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखना। ये आपकी कॉइल है और ये कॉइल अभी ऐसे रखी हुई है इस तरह से, मतलब ये कॉइल ऐसे थी, ऊपर से देख रहे हैं ऐसे दिख रही है। अभी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अभी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऐसे, ये देखो आप ऐसे। जब ये कॉइल घूम करके यूं आ जाएगी बीच में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जब ये कॉइल घूम करके ऐसे बीच में आ जाएगी, तो भी चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ में ही होगा, क्योंकि जब ये ग्रीन वाली लाइनें घूम करके ऐसे हो जाएंगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र उसके साथ साथ ही है इस तरह से। जब ये घूम करके यूं आ जाएंगी, तो भी चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत ही रहेगा, लंबवत का मतलब है इस गोले के लंबवत रहेगा, और ये जो आपका कॉइल है इसके समांतर रहेगा। तो जब ये घूम करके ऐसे आ जाएगी, तब भी आपका चुंबकीय क्षेत्र ये वाला काम में आएगा जो आप देख सकते हो इसके समांतर है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर इस प्रकार से है कि वो ये जो गोला है इस गोले के लंबवत है। तो आपका ये कॉइल कितना भी घूम जाए, हर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसकी सतह के समांतर रहेगा। सतह की बात कर रहा हूं मैं, देखो ये आपकी कुंडली की सतह है और चुंबकीय क्षेत्र इस सतह के समांतर है, सतह के समांतर हमेशा देखना इस लाइन से ही पास होगा। जब ये ऐसे है, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस लाइन से पास हो रहा है, घूम करके ऐसे आ गई, अब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस लाइन से पास हो रहा है, बीच में आ जाएगी, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस लाइन से पास हो रहा है, ऐसे हो जाएगी, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस लाइन से पार हो रहा है। मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस प्रकार का विशेष चुंबकीय क्षेत्र है जो हमेशा आपकी इस कॉइल की सतह के समांतर है। और यही हमारा फायदा है कि हर बार हमारा थीटा जो है वो फिक्स रहेगा। बात को समझना, सतह के समांतर है, मतलब ये कॉइल अगर ऐसी है, इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, तो इसके समांतर है, इस कॉइल के समांतर है चुंबकीय क्षेत्र। कॉइल का क्षेत्रफल सदिश कहां पर आएगा, कॉइल का क्षेत्रफल सदिश ये होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी सतह के अर्थात कुंडली के समांतर है, तो आपके क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बना रहा है, क्षेत्रफल सदिश से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब जब आपकी, अब यह समझ लो ये कुंडली है, यहां भी यही कुंडली है सेम। अब देखो जब ये ऐसे है, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र सतह के समांतर है, तो आपका एरिया वेक्टर से एंगल बन रहा है 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, जब ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, ये आपका क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में हो गया, अभी भी 90। जब ये ऐसे घूम जाएगा, तो आपका ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, अभी भी आपका चुंबकीय क्षेत्र सतह के समांतर है और सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश से 90 का कोण बना रहा है। तो यही बहुत बड़ी खास बात है कि हम इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र काम में लेते हैं कि ये बेलन किसी भी स्थिति में घूमे, किसी भी स्थिति में घूमे, किसी भी स्थिति में घूमे, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली की सतह के क्या हो, समांतर, और कुंडली के क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बनाए, 90 डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अगर कोई कहता है चुंबकीय क्षेत्र सतह के समांतर है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में मेरी उंगली की तरफ सतह के समांतर, परंतु क्षेत्रफल सदिश से वो कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री, यही वाला लॉजिक यहाँ पे काम आ रहा है। और कितनी अच्छी बात है कि ये सिलेंडर कितना भी घूम ले, आपका थीटा हमेशा क्या रहेगा, 90, अर्थात क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना रहेगा, 90। जबकि इसके अंदर, इसके फिक्स होने के कारण आप इसको घुमाते थे तो एंगल बदलता था, परंतु यहां पे इसको आप कितना ही घुमा लो, आप जिस भी स्थिति में घुमाओगे उस स्थिति में समांतर चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा, जैसे भी घुमाओ मिलेगा, जैसे भी घुमाओ मिलेगा। ये खास लॉजिक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये मानते हुए कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है। हाँ, तो दोस्तों चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का एक कॉन्सेप्ट हमें अभी क्लियर हो गया है कि अगर धारा प्रवाहित होगी तो स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि ये आपकी कुंडली घूर्णन करना शुरू कर देगी, मतलब ये सिलेंडर भी घूमना शुरू कर देगा। अब सुनिए, तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि जैसे ही इस कुंडली में आप धारा प्रवाहित करोगे, ये सिलेंडर से जुड़ी हुई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि ये अपना घूर्णन शुरू कर देगी। अब इसके घूर्णन को देखा जाए, अगर अपन टॉप व्यू से देखें, तो ये इस प्रकार गोल गोल घूमना शुरू कर देगी।
अब असली कहानी शुरू होती है। हमने इसके जस्ट ऊपर सिलेंडर के ऊपर इस प्रकार से एक स्प्रिंग लगा रखी है। अब उस स्प्रिंग का काम क्या है देखिएगा, जब ये आपका सिलेंडर इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है, और बल आघूर्ण टाउ भी हम जानते हैं, एन आई ए बी साइन 91 हो जाएगा, तो टाउ आ रहा है आपका एन आई ए बी। तो इस टाउ के इस घूर्णन के चक्कर में, इस बल आघूर्ण के प्रभाव में, ये जो आपका कुंडली है उससे जुड़ा सिलेंडर है वो ऐसे गोल घूमना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये गोल घूमना शुरू करेगा, इसके ऊपर ये जो स्प्रिंग हमने लगा रखी है, उस स्प्रिंग में तनाव आएगा। थोड़ा इमेजिनेशन करके देखो, सब क्लियर हो जाएगा कि इसके ऊपर आपने एक स्प्रिंग लगा रखी है, जब ये नीचे से घूमना शुरू करेगा तो ये स्प्रिंग तनाव में आएगी, टेंशन में आएगी, और इसके घुमाव को रोकने की कोशिश करेगी। जब स्प्रिंग के अंदर अपन उस बल की बात करेंगे, तो उस बल को कहा जाता है टाउ रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग का मतलब है, रीस्टोरिंग का मतलब होता है पुनः उसी स्थिति में लाना, रीस्टोर करना। तो जब ये गोल गोल घूमने का प्रयास कर रही है, तो वो स्प्रिंग अपना बल आघूर्ण इसके ऊपर ऐसे लगाएगी कि वो इसको घूमने से रोक सके, उसमें तनाव आएगा, और टाउ रीस्टोरिंग आपका होगा K5 माइनस का। क्योंकि माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जिस भी स्थिति में आपका ये कॉइल जाना चाह रही है, जिस भी स्थिति में आपका ये घूमना चाह रहा है, उसका विरोध हो रहा है। इसको कहा जाता है ऐंठन बल का बल आघूर्ण, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। तो भैया सीधा सीधा कंपटीशन दो लोगों के बीच में है, वो कंपटीशन दो लोग कौन है, एक तो आपका जैसे ही धारा आप प्रवाहित करा रहे हो, ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बल आघूर्ण करके इसको गोल गोल घुमाना चाह रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र इसको गोल गोल घुमाना चाह रहा है, तो इसके ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई है, वो स्प्रिंग इसके गोल गोल घूमने का विरोध करती है। तो एक बात को समझना कि ये टाउ घुमाना चाहता है, ये टाउ रोकना चाहता है। तो जब ये दोनों टाउ आपस में बराबर हो जाएंगे, तो फिर आपकी ये जो सिलेंडर है, ये जो कुंडली है, वो अपना गति करना बंद कर देगी। और हम इसी के साथ में एक पॉइंटर लगा देते हैं, जैसे जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो पॉइंटर जीरो पे रहता है ऐसे। हाँ, तो दोस्तों ये है अपना गैल्वेनोमीटर। मैं एक बार आपको इसका पूरा व्यू क्लियर कर देता हूँ। इसमें जीरो बीच में होता है। अब इसको अच्छे समझना है तो इसको पीछे से देखते हैं। ये देखो, अब इसमें जिस बेलन की हम बात कर रहे थे, वो बेलन ये है। ये देखो आप, यहाँ पे पॉइंटर जिस तरफ में कर रहा हूँ, ये वो बेलन है। इस बेलन के दोनों तरफ चुंबक है, ये एस हो गया। ये जो चुंबक गोल गोल है, ये एन और ये एस, बीच में ये बेलन है। बेलन के ऊपर ये जो आप देख रहे हो, काफ़ी सारे कॉपर वायर लपेटे हुए, आप कुंडली देख सकते हो, स्क्वायर फॉर्म में आयताकार कुंडली है, और इसके जस्ट ऊपर स्प्रिंग है। हाँ, ये जो स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग जो है, जब ये नीचे सिलेंडर घूमता है, तो यही स्प्रिंग उसको घूमने से रोकती है। और इस स्प्रिंग के साथ में उल्टी साइड में पॉइंटर लगा हुआ है, और ऐसी स्प्रिंग ऊपर होती है, ऐसी स्प्रिंग इस सिलेंडर के नीचे है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेंडर, आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेंडर घूमता है। ये हमारी कुंडली हो गई, जो इसके ऊपर स्क्वायर फॉर्म में लपेटी हुई, आयताकार फॉर्म में लपेटी हुई है, और ये इसके ऊपर स्प्रिंग है जो इसको घूमने से रोकती है, और आगे की तरफ इसमें नीचे पॉइंटर लगा हुआ है, और वो पॉइंटर सामने से हमको दिखता है, ये वाला ऐसे। तो ये कुछ इसका कंस्ट्रक्शन है, और बाकी बातें हम लोग वीडियो में कर ही चुके हैं, तो ये अब कंप्लीट होता है। अब आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, पॉइंटर आपका जीरो पे। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो आपने इसके अंदर धारा को प्रवाहित किया, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, आपका सिलेंडर जो है, मान लो आपने धारा प्रवाहित करी 1 एम्पियर, सही बात है, तो आपका जो सिलेंडर है वो ऐसे रखा हुआ है, तो यहां से आपने 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की, जैसे ही इसमें धारा जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरफ है, वो चुंबकीय क्षेत्र इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर देगा। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र उसको इस दिशा में घुमा रहा है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र इसको ऐसे घुमाना शुरू करेगा,
तो घुमाते समय ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो इस सिलेंडर के घूमने का विरोध करेगी। जब ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब जब आपका एन आई ए बी के एफ आई के बराबर हो जाएगा, उस समय आपका सिलेंडर घूमना बंद कर देगा। तो मान लेते हैं जीरो अवस्था में आपका पॉइंटर यहाँ पे था, जब जैसे धारा आपने प्रवाहित करी सिलेंडर इतना घूमा, और इतना घूमने के बाद में आपका जो ये वाला बल है और जो ये वाला बल है वो आपस में बराबर हो गया। तो अब आपका पॉइंटर जिस स्थिति में जाके रुक गया है, इसका मतलब वो जो स्थिति है वो स्थिति कितनी धारा को प्रदर्शित करती है, एक एम्पियर को। तो उस जगह जाकर के हम लिख देते हैं एक एम्पियर। इसी तरह से आगे फिर टू एम्पियर, थ्री एम्पियर, और ये आपकी स्केल बन जाती है। ऐसे ही अब आप बात को समझो कि जब आप धारा की दिशा को उल्टा कर दोगे, तो धारा की दिशा को उल्टा करने पे अगर आपका सिलेंडर पहले माना राइट में घूम रहा था, तो धारा की दिशा को उल्टा करने पे अब सिलेंडर लेफ्ट में घूमेगा। तो जो पॉइंटर आपका ऐसे था, अब आपका सिलेंडर धारा की दिशा उल्टी करने से लेफ्ट में घूम रहा है, तो अब स्प्रिंग में तनाव विपरीत दिशा में आएगा, तो स्प्रिंग उसको फिर से रोकने की कोशिश करेगी। और मान लो यहां पर आकर के आपका स्प्रिंग का जो बल है और जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल आघूर्ण है वो आपस में बराबर हो गया, तो इस बार आपका पॉइंटर इधर शो करेगा, तो आपको इस बार रीडिंग इस जगह मिलेगी। अब समझ में आया गैल्वेनोमीटर का शून्य बीच में क्यों होता है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का शून्य बीच में होना यह प्रदर्शित करता है कि अगर धारा की एक निश्चित दिशा है, ये पॉइंटर है आपका, अब अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहां से होकर के यहां निकल रही है, तो ये आपका सिलेंडर इस जगह घूमना शुरू करेगा और उसके इस पर की स्प्रिंग विरोध करेगी। आपको रीडिंग्स जो है वो इस तरफ मिलेगी। जब आप विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कराओगे तो आपको नियम पता है, नियम इस तरह से लगेगा, बल आघूर्ण इस प्रकार लगेगा कि ये विपरीत दिशा में घूमेगी, तो इस बार का बैलेंस विपरीत दिशा में होगा, तो इस बार रीडिंग आपको इधर मिलेगी। इसलिए गैल्वेनोमीटर आपको बता सकता है कि धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि धारा की दिशा में जैसे ही परिवर्तन करोगे, इस पर लगने वाला बल युग्म जो आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है उसकी दिशा बदलेगी, तो जहां पहले ये ऐसे घूम रहा था अब ये विपरीत दिशा में घूमेगा। इसलिए रीडिंग राइट में भी आती है, लेफ्ट में भी आती है। एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करवा के आप चेक कर लो कि कितने डिस्टेंस पर आकर के आपका बैलेंस हो रहा है, कितने डिस्टेंस पर आकर के आपका एन आई ए बी के एफ आई के बराबर हो रहा है, उस जगह जाकर के लिख दो वन एम्पीयर। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो एक बार अगर आपने इसका कैलिब्रेशन कर दिया तो अब आपको बस मार्किंग करनी है, उतनी मार्किंग यहाँ पे कर दो, आपका गैल्वेनोमीटर बन करके तैयार हो गया। तो ये लॉजिक है गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये केवल दो लॉजिक पे काम करता है। एक तो यहाँ पे धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी होती है, चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर बल आघूर्ण लगाता है, वो बल आघूर्ण में थीटा को 90 रखने के लिए इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र की सहायता ली जाती है जो हमेशा कुंडली के तल के समांतर और कुंडली के जो क्षेत्रफल सदिश है उससे हमेशा लंबवत होता है, वो हमने डिस्कस किया, ताकि ये फॉर्मूले में हमेशा 90 रहे। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा देते हैं कि जैसे ही ये घूमना शुरू करे वैसे ही वो स्प्रिंग इसका विरोध करे। तो स्प्रिंग का जो बल आघूर्ण है, जिसको अपन ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, वो जब बराबर हो जाता है इसके, तो आपकी साम्यावस्था आ जाती है और ये रुक जाता है। जिस भी जगह जाकर के रुकता है, हम इस स्प्रिंग से एक पॉइंटर जोड़ देते हैं, जिस भी जगह जाकर के रुका है उस जगह जाकर के आप वन एम्पियर लिख दो, अगर आपने वन एम्पियर धारा प्रवाहित कराई है। तो ऐसे एक बार हम अपनी तरफ से जिसका मान हमें पता है वो धारा प्रवाहित करा के इसके ऊपर रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। इसके बाद अब आप इससे चाहो जो धारा माप सकते हो। तो ये आपके चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का मेन सिद्धांत है। 100% लॉजिक के साथ में हमने पढ़ा कि किस तरह से ये कार्य करता है। अब तो केवल सूत्र हैं, यहां से आई निकल के आ रहा है के एफ आई अपॉन एन ए बी, और इसको हम कहते हैं ऐंठन कोण, कि इस स्प्रिंग के अंदर जब ये आपका ये वाला बल युग्म, ये वाला जो बल आघूर्ण था, जब ये इसको गोल घुमा रहा था, तो स्प्रिंग के अंदर कितना कोण बना, कितना ऐंठन कोण आया, स्प्रिंग कितने कोण से परेशान हुई, वो आपका फाई है। कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और उसके हिसाब से आपका ये बल युग्म निकल के आता है। और ये जो रीस्टोरिंग बल युग्म है, रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये इसलिए आता है क्योंकि स्प्रिंग के अंदर प्रत्यास्थता होती है, कि स्प्रिंग की अगर स्थिति को आप परिवर्तित करोगे तो वो उसका विरोध करेगी, स्प्रिंग को आप खींच करके छोड़ोगे वापस अपनी जगह पर आती है। तो जिस कारण से वो अपनी जगह पर आ रही है उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
तो यहाँ पे उसको हम गोल घुमा रहे हैं, तो वापस से घूम करके जब वो अपनी स्थिति पे आएगी तो जिस बलयुग्म की सहायता लेगी उसको कहा जाएगा रीस्टोरिंग टॉर अर्थात ऐठन बलयुग्म का आघूर्ण, और साम्य अवस्था में दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, धारा का मान यहाँ से निकल के आ सकता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर इस तरह से इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है उसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रॉपर थ्योरी आराम से मिल जाएगी, जितना जल्दी हो सके आप उसको परचेज कर लीजिए। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब यहाँ से आपके पास आई का मान आ रहा है के फाई अपॉन एन ए बी। अब ये के अपॉन में एन ए जो है, ये के अपॉन में एन ए बी, ये पूरी चीज इसे हम जी कहते हैं। आई बराबर हो जाएगा जी फाई, और जी को कहा जाता है धारा मापी नियतांक। अब इसमें कौन क्या क्या, आप ध्यान से बात को समझ लीजिए। आई इसके अंदर धारा है जो आप कुंडली से प्रवाहित करवा रहे हो, के आपका स्प्रिंग से संबंधित नियतांक है, यहाँ जो एन है आपके पास वो फेरों की संख्या है कि जितने फेरे आपने लपेट रखे हैं, ये जितने फेरे लपेट रहे हैं इसके अंदर मैंने चार लपेट रखे हैं तो एन का मान चार होगा। ए जो है क्षेत्रफल है आपके कुंडली का, तो ये जो आपकी आयताकार कुंडली इसका क्षेत्रफल ए है। बी चुंबकीय क्षेत्र है जो आपने उत्पन्न कर रखा है, और फाई जो है वो ऐठन कोण है कि आपकी कुंडली जो है ऊपर जो आपने कुंडली लगा रखी है ये वाली, इसके अंदर जो विचलन आ रहा है वो क्या है आपका फाई है, जिसे हम लोग ऐठन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सूत्र बनता है चल कुंडली धारा मापी के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको 100% लॉजिक समझाया, इसका भी एक और पार्ट टू बनाऊंगा मैं उसके अगले वाले वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर आप ये देखोगे कि आपके चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता क्या चीज होती है, सुग्राहिता का अध्ययन करोगे, सेंसिटिविटी का अध्ययन करोगे, और इसको अपन एमीटर की तरह कैसे काम में लेते हैं और इसको अपन वोल्टमीटर की तरह कैसे काम में लेते हैं वो आप वहां पर सीखोगे। यहाँ आपने प्योर कॉन्सेप्ट सीखा कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कैसे धारा प्रवाहित करने के अंदर प्रवाहित करने पर ही कुंडली घूमती है, साथ में बेलन घूमता है और बेलन के ऊपर लगा होता है एक स्प्रिंग जो उसके घूमने का विरोध करती है, और एक एम्पियर धारा प्रवाहित करके हम देखते हैं कि हमारा पॉइंटर कितना गया, मतलब पॉइंटर यहाँ जाके रुक क्यों गया पहले वो समझो। जब आपने धारा प्रवाहित करी, आपका बेलन घूमा, बेलन जुड़ी हुई थी स्प्रिंग जो चाहती है कि बेलन ना घूमे, तो जब आपका चुंबकीय क्षेत्र का टॉर्क, चुंबकीय क्षेत्र का बल आघूर्ण आपकी कुंडली के रीस्टोरिंग टॉर्क से कुंडली के बल आघूर्ण के बराबर हो गया तो वो रुक गया। तो जितने भी घूम करके वो रुका, जैसे यहाँ पॉइंटर था धारा प्रवाहित कराने पे, मान लो ये ऐसे घूमा और अब जाकर के स्प्रिंग का और इसका टॉर्क बराबर हो गया, ये यहाँ घूम गया तो हमने इसको नाम दे दिया 1 एम्पियर, ऐसे करके इसकी मार्किंग कर दी। अब आप चाहो जो धारा इससे आप मेजर कर सकते हो। तो बहुत कमाल की डिवाइस है, थोड़ा वीडियो बड़ा रहा, मैंने आपको एक एक चीज लॉजिकली समझाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के इस तरह के वीडियो मंडे से फ्राइडे तक शाम को 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।